हेलो एवरीवन जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे क्लास इलेवेंथ के बायोलॉजी के चैप्टर वन डेट वाज द लिविंग वर्ल्ड और उसमें हम व्हाट इज लिविंग पढ़ चुके थे और उसके आगे आज हम स्टडी करेंगे तो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ओके तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और बायोडाइवर्सिटी इज़ द एकरेंस ऑफ वराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मोरफोलॉजी साइज कलर एनाटमी हैबिटेट्स एंड हैबिट्स ठीक है तो so, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बायोडाइवर्सिटी में वराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हों वराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जैसे कि जिनका मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग हों जो साइज कलर एनाटमी हैबिटेट हैबिटेट मीन्स कि उनको जहाँ पे वो रहते हैं वो सब डिफरेंट हो और उनका हैबिट डिफरेंट हो ओके okay? डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट स्पीसीज ओके तो हम जितने टाइप के कोई भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं या वो कोई एक प्लांट हो या कोई हम जानवर को देखते हो या घर में हाउस फ्लाइज को देखते हैं तो वो सब के सब एक स्पीसीज को रिप्रजेंट करते हैं फिर द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 पॉइंट सेवन टू वन मिलियन ओके तो अभी तक जो जो ऑर्गेनिजम्स अभी तक जाने जा चुके हैं और उनके बारे में डिस्क्राइब किया जा चुका है उनका रेंज कितना है सत्रह से अठारह लाख तक ओके और आउट ऑफ विच वन पॉइंट टू फाइव मिलियंस आर एनिमल्स एंड अबाउट जीरो पॉइंट फाइव मिलियंस आर प्लांट्स ओके और जिनमें से तकरीबन साढ़े बारह लाख एनिमल्स हैं और पाँच लाख क्या हैं प्लांट्स हैं ओके एट मिलियन ऑर्गेनिजम्स आर टू बी आइडेंटिफाइड ओके और अभी तक बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करने बाकी हैं फिर नीड ऑफ नोमन क्लेचर ओके तो उन जो ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवरी हो चुका है उनका नोमन क्लेचर की जरूरत कैसे पढ़ी ओके देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वर्ल्ड वी नो देम बाय देयर लोकल नेम्स हाँ अगर हम किसी एरिया में रह रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट हो या एनिमल हो उसको हम उसके लोकल नेम से बुलाते हैं ओके okay. और लोकल नेम वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और प्लेस टू प्लेस वो जो लोकल नेम है वेरी करता है आप किसी पर्टिकुलर प्लांट को अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे अगर आप इंडिया के किसी और कोने से होंगे तो और मैं हूँ तो मैं कोई कुछ, उसको कुछ और कहता होंगे या मेरे लोकल नेटिव्स उसको कुछ और कहते होंगे ओके हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडाइज द नेमिंग ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच डेट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम इज़ नॉन बाई द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके तो फिर तो अगर आप किसी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को कुछ और कहते होंगे और मैं कुछ और करता हूँ हुं, कहता हूँगा ठीक तो फिर तो उसको समझने में हमको दिक्कत आ जाएगी तो कि क्योंकि आप उसको कुछ बोलेंगे और मैं समझ नहीं पाऊँगा और मैं कुछ बोलूँगा उसको तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस ऑर्गेनिजम्स की बात कर, कर रहा हूँ तो इसी वजह से ज़रूरत पड़ी हमको स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग की जिससे कि क्या होगा कि पूरे दुनिया में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम से जाना जाएगा सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके दिस देन गिविंग सिस्टमेटिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज नॉम क्लेचर तो और उसको सिस्टमेटिक नेम देने को क्या कहते हैं उस प्रोसीजर को नोमन क्लेचर कहते हैं ठीक तो नोमन क्लेचर इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच टू दिस कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन हाँ तो तो क्लेचर के तभी पॉसिबल है जब तक वो ऑर्गेनिज्म करेक्टली डिस्क्राइब्ड ना हो जाए ठीक तो पहले उसको डिस्क्राइब करने के लिए पहले उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है तब उसके बाद उसको क्या करेंगे हम नोम क्लेचर करेंगे ओके नंबर ऑफ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ओके तो नंबर ऑफ जो साइंटिस्ट थे एक प्रोसीजर निकालें जिससे कि साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म को दिया जाएगा ओके और वो जो साइंटिफिक नेम होगा ऑल ओवर वर्ल्ड वो क्या होगा एक्सेप्टेबल होगा ठीक है फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमक्लेचर ठीक है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमक्लेचर जो आई है जो क्या करेगा प्रोवाइड करेगा आपका प्रिंसिपल और क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंग प्लांट्स का साइंटिफिक नेम रखा जाएगा ओके तो ये प्लांट का नोमिनक्लेचर हो गया फिर एनिमल का नोमिनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमिनक्चर क्या करेगा वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमिनक्चर एनिमल्स के नाम देगा ठीक और बैक्टीरिया के लिए देखा जाए तो आई इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमिनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया और फिर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमिन क्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट ट आई सी एन सी पी ओ और वायरस के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासीफिकेशन एंड नोमिनक्चर आई सी वी सी एन ओके और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंटरनेशनल कोड फोर बोटेनिकल नोमिनक्चर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जुलजिकल नोमिनक्चर एक्चुअली ये एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं और ये ऑफ और फोर को हमेशा चेंज करते रहता है तो इस पर हमको पर्टिकुलर ध्यान देना होगा और ये जो जितने ये नोमन के ये हैं इनको इम्पोर्टेंट है कही न कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पॉइंट एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं स्टेट पी में और नीट में भी सो so ये सब इम्पोर्टेंट है ठीक है द साइंटिफिक नेम इंश्योर डैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम हाँ जो साइंटिस्ट जो नाम देंगे एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का उसके लिए भी इंश्योर करना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर एक ही नेम हो ओके डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम ओके और जो उसका डिस्क्रिप्शन्स हो गए वो सबके लिए इनेबल हो गए चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो टू अराइव द सेम नेम जिसको वो सेम नेम से बुला पाए दे ऑल्सो इन श्योर डेट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिजम्स हाँ साइंटिफिक नेम देते समय यह भी ध्यान देना होगा कि वो जो पर्टिकुलर नेम दिया गया है किसी ऑर्गेनिजम्स का वो नाम पहले किसी ऑर्गेनिजम्स को तो नहीं दिया जा चुका है ठीक इसका हमको ध्यान देना होगा ठीक है फिर आता है बायोलॉजिकल नोम क्लेचर होता क्या है मतलब बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिजम्स ओके तो क्या था बायोलॉजिस्ट क्या किए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के थ्रू टू निकाले जिससे कि साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिजम्स को दिया जा सके ठीक तो है तो पहले बायोलॉजिकल नोमिनक्लेचर है तो बायोलॉजिकल नोमक्लेचर क्या होता है ईच नेम हैज टू कॉम्पोनेंट्स जो नाम होगा ऑर्गेनिजम का उसका टू कॉम्पोनेंट्स होगा फर्स्ट होगा जेनरिक नेम जो उसका जीनस नेम होगा एंड सेकेंड क्या होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा और स्पीसीज का नाम होगा ठीक है दि सिस्टम ऑफ नोम क्लेचर वॉज प्रोवाइडेड बाई कार्लिनियस ये किसने प्रोवाइड किया था कार्लिनियस ने प्रोवाइड किया, किया था जैसे मैंगो का नाम देखे तो क्या है मेनजीफेरा इंडिका और ह्यूमन बींग्स का क्या है होमोसेपियंस तो इसमें जो फर्स्ट है ये ये फर्स्ट मेनजीफेरा किस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को ओके और ये इंडिका इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है एस्पेसिफिक एपिथेट को Okay. फिर ट्राइ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लेचर तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्लेचर को समझते हैं द सर्टेन स्पीसीज आर डिवाइजिबल इन टू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सब स्पीसीज और वराइटीज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनर डिफरेंस ठीक है और उसको फाइनर डिफरेंस पे स्पीसीज को भी स्पीसीज को भी डिविजिबल कर दिया गया किसमें सब स्पीसीज में और वराइटीज में ठीक है फाइनर डिफरेंस के बेसिस पे ठीक द नेम ऑफ द वराइटी इज रिटेन आफ्टर द स्पेसिफिक नेम और वो जो वराइटी या सब स्पीसीज है वो कहाँ पे लिखा जाएगा आफ्टर सब स्पीसीज के सॉरी आफ्टर स्पीसीज के बाद ठीक है आफ्टर स्पीसीज ओके दज द नेम में बिकम ट्राइनोमियल और थ्री वर्ड नेम ठीक है तो बाइनोमियल नेम तो था ही जीनस और और स्पी एस्पीसीज उसके बाद सब स्पीसीज लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा ये ये आपका बन जाएगा ट्राइनोमियल और थ्री वर्ड नेम बन गया राइट एग्जाम्पल है होमोसेपियंस यूरोपियस तो होमोसेपियन यूरोपियस तो हो गया आपका ट्राइनोमियल नोमिक्लेचर जिसमें द नेम द नेम ऑफ द मैन ऑफ यूरोपियन रेस ओके तो होमोसेपियंस तो हमको पढ़ चुके हैं होमोसेपियंस किसका होता है ह्यूमन बींग्स और यूरोपियस लग गया तो ये पर्टिकुलर बता रहा है कि वो पर्सन कहाँ का है यूरोप का है या, या यूरोपियन रेस का है ओके और ट्राइनोमियल नोमन क्लेचर इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ लीनियन सिस्टम लीनियन सिस्टम में जो हम देखे थे जो लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नोमन क्लेचर उसमें क्या होता था कि थे कि उसमें वो दो नेम होता था जीनस और स्पीसीज का और उसके बाद इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया है एक्सटेंड करके आपका लिख दिया है एक वराइटी को जो कि क्या है एक एक्सटेंशन फॉर्म है बाइनोमियल नोमल क्लेचर का जिसमें कि लगा दिया आपका वराइटी राइट फिर देखेंगे यूनिवर्सल रूल फॉर नोमन क्लेचर ठीक है तो कुछ तो रूल होना चाहिए ना यू जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए उसी के बेसिस पे आपका नोमन क्लेचर हो तो उसी का है यूनिवर्सल रूल फॉर नोमन क्लेचर ओके फर्स्ट है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन एंड रिटेन इन इटेली और डेराइव फ्रॉम लेटिन ठीक है तो जो बायोलॉजिकल नेम होगा वो कैसा होना चाहिए लेटिन में होना चाहिए और कैसे लिखना कैसे लिखा होना चाहिए इटैलिक्स में मतलब टेढ़ा हाँ. और डेराइव फ्रॉम द लेटिन या वो वर्ड जो है अगर लेटिन का नहीं है तो वो लेटिन से डेराइव होना चाहिए क्योंकि लेटिन के क्यों हम लेटिन यूज करते हैं क्योंकि लेटिन एक डेड लैंग्वेज है ओके okay? द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड रेड सेकेंड कॉम्पोनेंट्स डिनोट द स्पेसिफिक एपीथेट हम पहले ही ये बात समझ चुके हैं कि पहला नेम किस को रिप्रेजेंट करता है जीनस को और दूसरा स्पेसिफिक एपीथेट को ठीक है बोथ वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम वैन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स ओके अगर वो वर्ड को हम लिखेंगे अगर वर्ड हम हैंड रिटर है तो उसको क्या करेंगे सेपरेटली अंडरलाइन होगा ठीक दोनों जीनस और स्पेसिफिक जीनस और ये स्पेसिफिक दोनों क्या होगा सेपरेटली अंडरलाइन होगा और इन प्रिंटेड इटैलिक्स और प्रिंट होगा तो इटैलिक्स फॉर्म में होगा राइट द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर वेल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर और जो आपका बायोलॉजिकल नेम होगा वो उसका स्टार्टिंग जो होगा जीनस नेम वो क्या होना चाहिए वो कैपिटल में होना चाहिए और जो आपका एस्पीसीज होगा वो क्या होगा एस्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होगा ठीक है स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में होगा ठीक ये समझ गए फिर द नेम ऑफ द ऑफर अपीयर और ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट डैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इज एब्रीवेटेड फॉर्म ओके तो जो ऑथर या जो साइंटिस्ट हम कह दें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम दिए हैं उनका लास्ट में नेम लिखा जा सकता है या लिखा जाएगा इन द एब्रिवेटेड फॉर्म एब्रिवेटेड फॉर्म मीन्स की शॉर्ट फॉर्म ठीक तो है तो जैसे मेन्जी फेरा इंडिका है तो मेन्जी फेरा इंडिका लीन तो लिन से क्या पता चलता है कि ये कोई एब्रीवेटेड फॉर्म में है तो एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म तो ये लिन से क्या पता चलता है कि ये कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था ठीक तो तो है तो इट इंडिकेट द स्पीसीज वाट फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लीनियस तो लीनियस का यह क्या है एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा गया है लिन ठीक है तो मेन्जी फेरा इंडिका का किसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था किसने नाम दिया था लीनियस ने दिया था तो लीनियस का नाम आ गया है मेनजीफेरा इंडिका के बाद फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स देखते हैं तो एग्जाम्पल्स है मेनजी फेरा इंडिका तो मेन्जी फेरा इंडिका है किसका बायोलॉजिकल मैंगो का तो ये, ये जो सारे हमारे रूल्स हैं वो देखा जाए अगर प्रिंटेड में है तो कैसे है ये इटैलिक्स हैं इटैलिक्स हैं तो अंडरलाइन की जरूरत इसमें नहीं है ठीक और इसका कैपी फर्स्ट लेटर कैसा है कैपिटल में और ये इसका ये एसपीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा है स्मॉल में तो है होमोसेपियंस किसका नेम है बायोलॉजिकल नेम ह्यूमंस का है तो होमोसेपियंस जो कि जीनस है इसका कैसा है फर्स्ट लेटर कैपिटल में है और एसपीसीज का कैसा है एसपीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल में जो कि है सेपियंस ठीक है वैसे ही अगर बात करें रिटर्न का तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही आपके लिए नोट्स बना के समझाने की को कोशिश किया अगर कैट का अगर हम लिखेंगे कॉपी पे लिखेंगे या हम हैंड रिटर्न ही होगा हमारा तो कैसा रहेगा सेपरेट अंडरलाइन होगा सेपरेट अंडरलाइन होगा जैसे फेलिस डोमेस्टिक कैट का बायोलॉजिकल नेम है तो फेलिस को पहले हम करेंगे क्या अंडरलाइन करेंगे फिर डोमेस्टिका को करेंगे राइट right? और ये जो फेलिस का फर्स्ट लेटर है वो भी कैसा है कैपिटल में और डोमेस्टिका का फर्स्ट लेटर कैसा है स्मॉल में क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फेलिस जीनस को और डोमेस्टिका स्पीसीज को राइट right? ठीक फिर हम आगे समझेंगे सिंस इट इज नियरली टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन टू मेक दिस पॉसिबल ठीक है और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स होते गए जैसे कि हम पहले पढ़ चुके थे सेवेंटीन टू एटीन लैक एनिमल्स को डिस्क्राइब किया जा चुका है ठीक तो अगर पर्टिकुलर हम किसी किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक एक कि एक एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में उठा के पढ़ना स्टार्ट करें तो कितना देर लगेगा या कितना वो होगा अगर उसी को हम डिस्क्राइब कर दें ठीक है डिस्क्राइब अगर कर दें सबको एक फॉर्म में लिख दें ठीक है तो चार्ट बना दें तो वो हमारे लिए ईजी होगा कि नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो सिक्वेंस में हो जाएंगे और उनको स्टडी करना ईजी हो जाएगा ठीक है तो फिर क्लासिफिकेशन देखा जाए क्या होता है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इन टू कॉन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन समजिल ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स ठीक है तो क्लैसीफिकेशन में क्या होता है ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स के बेसिस पे उनको कैटेगरीज में रखा जाता है उनको ग्रुप किया जाता है राइट जैसे एग्जाम्पल जैसे प्लांट हैविंग रूट सूट्स लीब्स एंड फ्लावर्स एनिमल्स हैविंग एक्सटर्नल ईयर्स सॉरी मेमल्स हैविंग एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स दिखे कि जिसमें रूट्स हो सूट्स हो लीब्स हो फ्लावर्स हो तो उसको ईजिली हम किसके अंदर रखेंगे प्लांट्स के अंदर हम उसको रख देंगे अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स दिखे जिसका एक्सटर्नल ईयर प्रजेंट हो हाँ बॉडी पे उसका हेयर ग्रोथ हो ठीक तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे मेमल्स के अंदर रख देंगे राइट right? Similarly, certain feature makes make dog looks like dog. Okay, same is the case that all organisms, dog, cats, mammal, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. Okay, these all are category cat, mammals, cat, dog, cat, mammals, wheat, rice, plants, animal, etc. Are Convenient कैटेगरीज we यूज टू स्टडी organisms ठीक है द साइंटिफिक टर्म फॉर दिज कैटेगरी टेक्सा ओके तो इनको हम एक एक को हम क्या बोल सकते हैं डॉग भी एक क्या है टेक्सा है कैट भी एक क्या है टेक्सा है मेमल टेक्सा है प्लांट टेक्सा है राइस टेक्सा है एनिमल टेक्सा है सब सारे कैटेगरीज को हम क्या बोल सकते हैं टेक्सा बोल सकते हैं राइट फिर must रिकोगनाइज that टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल हाँ जैसा कि हम पढ़े प्लांट भी एक टेक्सा है ठीक है एनिमल भी एक टैक्सा है राइट right? और मेमल भी एक टैक्सा है और एक अगर डॉग ले लें तो डॉग भी एक टेक्सा है तो क्या कह रहे हैं प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा सिमिलरली एनिमल्स मेमल्स डॉग ऑल आर टेक्सा बट यू नो डेट डॉग इज़ अ मेमल एंड मेमल्स आर एनिमल ओके तो ठीक तो क्या हुआ एनिमल है एनिमल के अंदर क्या आएगा मैमल मैमल के अंदर क्या आएगा डॉग डॉग तो ये डॉग भी क्या है टेक्सा है ये मैमल क्या आपका एक टेक्सा है और ये एनिमल भी आपका क्या है टेक्सा है राइट right? तो क्या कह रहा है देर फोर एनिमल मेमल डॉग्स आर रिप्रेजेंट एड टेक्सा एट डिफरेंट लेवल तो ये तीनों एक डिफरेंट लेवल पे एक टेक्सा हो गया है राइट फिर ए टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी क्या होता है द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एलॉन्ग विथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज नॉन एज टेक्सोनॉमी ओके तो टेक्सोनॉमी क्या होता है क्लासिफिकेशन होता है किसके बेसिस पे एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है के बेसिस पे और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पे और डेवलपमेंट प्रोसेस पे और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इकोलॉजिकल क्या बताता है जो कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग लिविंग और लिविंग नॉन लिविंग राइट वो क्या कहलाता है टेक्सोनॉमी कहलाता है राइट right? और फिर द करेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासीफिकेशन एंड नोमलेचर आर द प्रोसेस डेट आर बेसिक टू टेक्सोनोमी देखा जाए सिस्टमैटिक्स क्या होता है सिस्टमैटिक्स जो है डिफिनीशन फ्रॉम द लेटिनाइज ग्रीक वर्ड सिस्टम तो ये सिस्टमेटिक वर्ड कहाँ से आया है ये जो ग्रीक लेटिनाइज वर्ड है सिस्टम से आया है और उसका मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइज होल एज अप्लाइड टू सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप बाई नेचुरलिस्ट नोटेबली कॉर्नियस ने कॉर्नियस ने दिया था सेवनटी थर्टी फाइव में सिस्टमा नेचरी जो उनका क्या था बुक था राइट ठीक है और ये क्या होता है सिस्टम ये क्या होता है ये सिस्टमेटिक्स होता क्या है इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड Of any ऑफ ऑल रिलेशनशिप among देम ठीक है और इनमें क्या हम में क्या study करते हैं के के बारे में और उनके relationship with other organisms के बारे में में और और उनके biological interactions बिटवीन देम राइट वो क्या होता है हमारा systematics होता है और ये जो definition है किसने दिया था जी जी सिंपो ने दिया था नाइनटीन सिक्सटी वन में राइट अब देखा जाए टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज क्या होता है द क्लासीफिकेशन इज नॉट डन इन सिंगल स्टेप एंड ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड एमोंग टेक्सा एट डिफरेंट लेवल हाँ जैसे हम पता है कि टेक्सा डिफरेंट लेवल पे होता है क्लासीफिकेशन इज नॉट इन अ सिंगल स्टेप ठीक है ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड एमोंग एट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे टेक्सा क्लासीफकेशन जैसे होता है ठीक है द सेम ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल डॉग बिलोंग्स टू टेक्सॉन एनिमल्स एज वेल एज टेक्स ऑन मेमल्स एंड टू सेबरल ऑर्डर टैक्सा ऑल्सो एनिमल के में क्या क्या बिलोंग करता है एनिमल में डॉग तो बिलोंग करता ही है ठीक तो और उसके अंदर क्या एनिमल के अंदर मेमल्स भी बिलोंग करते हैं और और डे भी डिफरेंट ऐसे टेक्साज हैं जो कि बिलोंग करते हैं ठीक है ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली क्लासिफाइड इन हिरार्की ऑफ टेक्सा रैंक और कैटेगरीज एज अ यूनिट ऑफ इट्स सेल्फ ठीक है तो उनको क्या बोलते हैं एक रैंक के हिसाब से उनको रैंक के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से उनको क्या किया जाता है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनको क्लासीफाई किया जाता है और उसी को क्या बोलते हैं हिरारकी बोलते हैं ठीक है द स्टडी हैव लिब टू डेवलपमेंट ऑफ सेवरल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डेट इज किंगडम फाइलम डिवीज़न तो फाइलम होता है किसमें एनिमल्स में और डिवीजन क्या बोलते हैं प्लांट्स में क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज एंड डिज टेक्सा आर अरेंज हिरैरिकली ओके और इसमें क्या स्टडी डेवलपमेंट ऑफ सेवरल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के हम स्टडी करते हैं इनको और ये डिज आर टेक्सा डिज टेक्सा आर अरेंज हिरैरिकली हेरिकली मीन्स कि ये स्टेप बाई स्टेप ये ये ऐसे होते हैं जैसे कि आगे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ये है सबसे ऊपर क्या है हमारा किंगडम है तो किंगडम के बाद क्या आता है हमारा फाइलम आता है फाइलम के बाद क्या आता है हमारा क्लास आता है क्लास के बाद ऑर्डर आता है ऑर्डर के बाद फैमिली आता है फैमिली के, के बाद जीनस आता है जीनस के बाद स्पीसी जाता है ये इसी सीक्वेंस में आते हैं ठीक है और इसको क्या बोलते हैं हम टेक्सोनॉमिक हिरारकी बोलते हैं और इस सीक्वेंस को याद करने के ये एक्चुअली ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या नीट में या कोई भी एग्ज़ाम्स में ये पहले तो आते रहते थे तो इसको हम इस सीक्वेंस वाइज से कैसे याद करेंगे इसके लिए हम एक निकाल लिख लेंगे एक एक ट्रिक से इसको याद करेंगे जैसे कि कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक इसको आप लिख लीजिएगा कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक और इसके इससे हम क्या करेंगे इससे हम इसको याद कर लेंगे इससे हमको ये सीक्वेंस वाइज से याद रहे जैसे कि कीप से आ जाएगा किंगडम पॉट से आ जाएगा फाइलम क्लीन से आ जाएगा आपका क्लास और और से आ जाएगा ऑर्डर फैमिली से तो फैमिली हो ही गया और गे, गेट से आ जाएगा जीनस और सिक्स आ जाएगा हमारा स्पीसीज ठीक है और टेक्सोनॉमिकल हिरार्कि में क्या है देख लेते हैं इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है ये जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या है कि जैसे सबसे बड़ा क्या होता है हमारा किंगडम होता है फिर फाइलम फिर क्लास फिर ऑर्डर फिर फैमिली फिर जीनस फिर सबसे छोटा हमारा रैंक स्पिसीज का होता है ठीक है फिर फर्स्ट गिवन बाय लीनियस तो ये याद रहे कि किसने दिया था लीनियस ने दिया था यूज फाइव कैटेगरीज डेट इज क्लास ऑर्डर जीनस स्पीसीज एंड वैरायटी जिन्होंने क्या दिया था पांच कैटेगरी दिया था क्लास को ऑर्डर को जीनस को स्पीसीज को और वैरायटी को एट लास्ट वन वाज डिस्काइडेड एंड थ्री एडेड सो डेट न्यू थ्री सो नाउ देयर आर सेवन ऑब्लीगेट कैटेगरीज ठीक है तो ये इसमें से क्या वैरायटी को हटा दिया गया और इसमें किंगडम को ऐड कर दिया गया फाइलम को ऐड कर दिया गया फिर फिर क्लास था फिर ऑर्डर था फिर इसमें फैमिली को ऐड कर दिया गया ठीक है उसके बाद ये क्या बन गया हमारा सेवन ऑब्लीगेट कैटेगरीज मेरा हमारा ये बन गया ठीक और ये ऐसे अरेंज होता है ओके फिर हम स्टडी करेंगे स्पीसीज का ठीक है तो स्पीसीज क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट रैंक होता है ये तो हम तो देख ही चुके हैं ठीक है थीके? और स्पीसीज क्या होता है स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज़म्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एमोंग देम टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ठीक है तो स्पीसीज वो होते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स उस स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली ठीक है तो ये सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है ये दो ऑर्गेनिजम्स मान लिएग एक ही सेम स्पीसीज के हैं ठीक है थीके? और कैन इंटरब्रीड फ्रीली एमोंग दम ये साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं और टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ठीक है ये कैसे बनाएंगे फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ये याद रहना चाहिए ये इन्हीं की तरह सिमिलर होना चाहिए यह थोड़ा बहुत डिसिमिलर ठीक और लेकिन ये कैसा होना चाहिए फर्टाइल होना चाहिए ठीक नहीं तो ऐसा क्या होता है कि कि अगर दो स्पीसीज इंटरब्रीड करते हैं तो ये हो भी जाता है कि ऑफस्प्रिंग होता है लेकिन वो कैसा होता है ए, कैसा होता है वो वो आपका इनफर्टाइल होता है जिसके एग्जांपल है म्यूल म्यूल क्या होता है ये एक्चुअली दो स्पीसीज के वो इंटरब्रीड की वजह से होता है ठीक फिर शेयर कॉमन करेक्टर्स करेक्टरिस्टिक्स ओके तो ये जो दोनों ऑर्गेनिजम है एक स्पीसीज के हैं तो ये इनका जो करेक्टर होगा सेम होगा ठीक है वन शुड बी एबल टू डिस्टिंगविश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजरी रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंग मोर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस ठीक है और अगर कोई एक स्पीसीज़ का ऑर्गेनिजम्स हैं और दूसरे स्पीसीज़ का ऑर्गेनिजम्स हैं और ये क्लोजरी रिलेटेड है फिर भी इनको मोरफोलॉजिकल बेसिस पे इनको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ठीक है एग्जाम्पल स्पीसीज़ है, का मेनजीफेरा इंडिका मेनजी इंडिका क्या है एक मैंगो है सोलेनम ट्यूब्रोसम क्या है आलू है पोटैटो है और पेंथ्रा लियो क्या है लायन है ठीक है ऑल द थ्री नेम इंडिका ट्यूब्रोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट एसपीसी ठीक है तो ये इंडिका जो है ट्यूब्रोसम है और लियो जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक द फर्स्ट वर्ड मेन्जीफेरा सोलेनम एंड पेंथेरा अर्जेन्द्रा जीनस ठीक है अर्जेन्द्रा और जीनस है ठीक है और ये जो मैंजीफेरा है सोलेना में सोले पेंथरा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रिप्रेजेंट्स ऑन अदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी ऑब्वियसली जो जीनस है क्या है ये स्पीसीज से हायर लेवल का कैटेगरी है इसको क्या कर रही है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक फिर हमारा देखेंगे ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेड रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो ये जो आपका जीनस है एक जीनस का मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज हो सकते हैं ठीक तो जैसे ये हमारा है जैसे एग्जांपल देखा जाए सोलेनम ट्यूब्रोसम सोलेनम ट्यूब्रोसम का सोलेनम जो है क्या है हमारा सोलेनम जो है हमारा ये जीनस है और ट्यूबरोसम जो है आलू है पोटे ट्यूबरोसम जो है एक स्पीसीज है किसका आलू का ठीक है मतलब ये ट्यूबरोसम जो है ये स्पीसीज़ है फिर आगे हम अगर देख रहे हैं तो तो एग्जाम्पल है सोलेडम नाइग्रोसम तो सोलेडम तो हमारा जीनस था और नाइग्रम जो है नाइग्रम किसका है स्पीसीज ब्लैकबेरी नाइट सेट का है तो इससे हमको क्या पता चलता है सोलेनम ट्यूब्रोसम सोलेनम नाइग्रोजम नाइग्रम ठीक है तो सोलेनम ट्यूब्रोसम में क्या था ट्यूब्रोसम में कि वो वो पोटैटो का स्पीसीज था और उसमें स्पीसीज ट्यूब्रोसम जो था आपका पोटैटो को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसमें नाइग्रम लग गया तो स्पीसीज इसमें दूसरा लग गया तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैकबेरी नाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है वैसे ही सोलेनम मिलोनजीना सोलनम न्यू मिलोनजीना किस को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिंजल को ठीक है तो इनका जीनस तो सेम है लेकिन इनका स्पीसीज क्या है डिफरेंट डिफरेंट है मिलोनजीना लग गया तो वो क्या हो गया वो आपका ब्रिंजल हो गया राइट वैसे ही देखिए देखा जाए तो जैसे हम यहां पे स्पेसिफिक स्टडी किए थे तो किसका पैंथरा लियो पैंथरा लियो है तो वो क्या है लायन है राइट और अगर इसमें आपका पैंथरा टिग्रिस लग गया तो टिग्रीस लग गया था इसमें तो वो क्या हो गया टाइगर हो गया तो लायन और टाइगर जो कह सकते हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है लेकिन इनका जीनस जो है सेम है ये दोनों पैंथरा जीनस के हैं राइट अब नेक्स्ट हमारा टर्म है जीनस जीनस क्या है जीनस कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्राइजेज गुंप्रावाईज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कॉम्पेरिजन टू स्पीसीज और अदर जेनरा, ओके तो जीनस क्या करता है ऐसे मतलब स्पीसीज जो आपस में रिलेटेड हैं ठीक है, है? जिनके पास मोर करेक्टर्स कॉमन हैं उनको क्या करते हैं एक ही जीनस में रखा जाता है ठीक ऐसे स्पीसीज एस समझिए ऐसे स्पीसीज एस जिनके करेक्टर लगभग सेम है जिनके करेक्टरस्टिक करेक्टर्स थोड़े बहुत सेम है उनको कहाँ पे रखा जाता है एक जीनस में रखा जाता है राइट वे वी कैन से डेट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जेनरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोज रिलेटेड ओके एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल अरब आर टू डिफरेंट स्पीसीज ठीक बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम ओके okay, जैसे हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं इसको कि ब्रिंजल और पोटैटो जो है सोलेनम सोलेनम आपका ट्यूबरोसन और सोलेनम मेंजोलिना क्या है ये आपका ये ब्रिंजल्स तो हैं लेकिन ये ये ब्रिंजल हैं और वो पोटैटो है लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ हैं लेकिन ये एक ही जीनस में राइट फिर हम देखेंगे कि लायन जो कि पेंथरा लियो लिपॉड पेंथरापोडस और टाइगर टिग्रिस आर सेबरल कॉमन विथ सेबरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पेंथ्रा ठीक है ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट आपके स्पीसीज हैं लेकिन ये एक ही जीनस में आए जो कि पेंथ्रा में राइट तो दिस जीनस डिफर फ्रॉम द अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूडेड कैट्स ठीक है तो एक जीनस क्या फेलिस जो होता है किसका जीनस होता है कैट का होता है लेकिन लेकिन ये ये जो आपका पैंथरा है ये डिफरेंट है फेल जो जीनस पैंथरा है वो डिफरेंट है और फेलिस जो है कैट का है वो डिफरेंट है ठीक फैमिली देखा जाए फैमिली जो कि एक जीनस से हायर लेवल कैटेगरी है ठीक है फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा राइट जैसे वो आपका जीनस था वो क्या था ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज था वैसे ही फैमिली क्या है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ़ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज और उसमें जीनस और स्पीसीज जैसे स्पीसीज में क्या था कि मोर रिलेटेड होते कैटेगरीज करेक्टर्स थे लेकिन इसमें थोड़ा कम रहेंगे ठीक फैमिलीज आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज राइट एमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल थ्री डिफरेंट जेंद्रा सोलेनम प्यूटूनिया धतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी जैसे वैसे ही जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जा ग्रुप वो जीनस में जा रहे थे वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो कि जिनमें सिमिलेरिटी है वह किसमें चले गए सेम फैमिली में चले गए ऐसे ही एनिमल में देखा जाए तो एमोंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथरा जिसमें क्या क्या होता है लायन टाइगर पो, इज पुट एलोंग विथ जीनस फैलिस इन द फैमिली फिलेडी ठीक है फिलेडी फैमिली में रखा जाता है किसको किसको फैलिस कैट को और पैंथरा को जैसे कि हम पिछले जीनस में पढ़ चुके थे कि फैलिस एक डिफरेंट है जो कि पैंथरा से सिमिलर नहीं है लेकिन अगर वो अगर उसके हायर लेवल पे है फैमिली के लेवल पे है तो वो एक ही फैम फैमिली में डाले जो कि ये दोनों 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 कैसे हैं दिफरें, डिफरेंट डिफरेंट जीनस हैं ठीक फिर वैसे ही कैट एंड डॉग हैव सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस दे आर सेपरेटेड इन टू डिफरेंट फैमिलीज फिलेडी एंड किनेडी ठीक है जैसे कैट और डॉग में कुछ सिमिलरिटीज होते हैं और कुछ डिफरेंस होते हैं और लेकिन ये क्या होते हैं ये डिफरेंट फैमिलीज में होते हैं जो कि आपका कैट जो होता है कैट किस में आती हैं फिलेडी फैमिली में आती हैं और डॉग किस में कैनेडी में राइट फिर उससे हा, 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 हायर कैटेगरी जो कि क्या है हमारा ऑर्डर है ऑर्डर इज एन असेंबलीज फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करैक्टर्स ठीक है ये वही सेम कुछ फैमिली के जो फ्यू सिमिलर करेक्टर्स होंगे वो मिला के एक ही ऑर्डर में रखे जाएंगे ठीक द सिमिलर करेक्टर्स हाउ आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन फैमिली राइट ये भी हम समझ चुके ठीक है प्लांट फैमिली लाइक क्वानुलुएसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स ठीक है पोलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोर कलेक्टर के बेसिस पे क्या करेंगे कॉन और सोलनेसी को एक ही ऑर्डर में रखेंगे जो कि क्या है हमारा ऑर्डर पोलीमोनियल से राइट और एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडेड फैमिली लाइक फिलेडी एंड केनेडी और पहले हम पढ़ चुके थे कि जो हमारा फैमिली था ये फि फिलेडी में क्या आते थे कैट वगैरह और ये पैंथ पैंथर लैंड आते थे और एक कनेडी फैमिली अलग था जिसके अंदर डॉग आता था, था लेकिन ऑर्डर पे आए तो ये दोनों मिल के दोनों फैमिली मिला के किस ऑर्डर में चले गए किस में चले गए हमारे कार्नी में आ गए राइट ये भी हम समझ गए फिर हम समझते हैं क्लास क्लास भी एक क्या है उससे हाई ऑर्डर मतलब हाई कैटेगरी है एज कंपेयर टू हमारा ऑर्डर दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स ये इसमें क्या क्या होते हैं रिलेटेड ऑर्डर को कैटेगरी करके क्लास में रखा जाता है फॉर एग्जाम्पल क्लास है हमारा फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेट्स जो प्राइमेटा ऑर्डर क्या क्या है जिसमें आते हैं मोंकी गोरिल्ला जिम्बोन इज प्लेस्ड इन क्लास ममेलिया ठीक है ये किसके अंदर ये जो प्राइमेट्स हैं मोंकी गोरेला जीबॉन ये किसके अंदर मेमेलिया में रखे जाते हैं अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा और ये जो कार्निवोरा हो होते हैं जो जिसमें टाइगर कैट और डॉग आते हैं साथ साथ प्राइमेट्स और कार्निवोरा जो कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑर्डर हैं किस क्लास में रखे जाते हैं मेमेलिया में रखे जाते हैं राइट क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर ऑर्डर ऑल्सो ठीक है तो और भी ऑर्डर्स होते हैं जैसे प्राइमेट्स का नहीं हो रहा है वैसे और भी ऑर्डर्स होते हैं जिनको हम कहाँ पे रखते हैं सिमिलर करेक्टर्स करेक्टर्स के बेसिस पे किसमें मेमेलिया में रखते हैं राइट और इन प्लांट क्लास डाइकोटिलिडोन्स इंक्लूडेड ऑर्डर पोलिमोनियल्स एंड स्पेंडल्स और ये स्पेंडल्स किसका किसका ऑर्डर होता है ये मैंगो का ऑर्डर होता है राइट और फिर ये स्पेंडल्स और ये आपका पोलीमोनियल्स ऑर्डर जो है किसके अंदर आते हैं क्लास डाइकोटिलीड के अंदर रखे जाते हैं ठीक फिर आता है हमारा फाइलम ठीक है ये सेकेंड हाइस्ट हमारा ये सेकेंड हाइस्ट कैटेगरी हमारा होता है क्लास कॉम प्राइमाइजिंग एनिमल्स लाइक फिश एम्फेबियन रेपिटाइल्स बर्ड एलॉन्ग विथ मेमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम ठीक है तो हम जैसे पहले पढ़ चुके थे कि क्लास था जैसे कि चाहे वो क्लास हो हमारा फिशस का या एम्फेबियंस का या रेपिटाइल्स का या बर्ड का या मेमल्स का क्लास हो ठीक है ये सारे क्लास को किसके अंदर रखा जाता है फैमिली के अंदर रख सॉरी फाइलम के अंदर रखा जाता है राइट और ऑल दिज बेस्ट ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डोरसल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम डेटा और किसके बेसिस नोटो नोटोकॉड और डोरसोल होलो न्यूरल के बेसिस पे इन किसके अंदर ये सारे किसके अंदर रखे जाते हैं ये रखे जाते हैं टू हायर कैटेगरी कल डिवीजन ठीक है और प्लांट किसके अंदर रखे जाते हैं ये फ्री फाइलम जो यू बर्ड यूज होता है प्लांट्स के लिए सॉरी एनिमल्स के लिए और डिवीजन 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 वर्ड यूज होता है किसके लिए प्लांट्स के लिए तो और जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास है प्लांट्स का वो किसके अंदर रखे जाएंगे डिवीजन के अंदर रखे जाएंगे ठीक डिवीजन एनजीओस्पम इंक्लूडेड क्लास डाइकोटिलिडोन एंड मोनोकोटिलिडोन ओके तो जो हमारा फाइल डिवीजन एनजीओ स्पम ही है इसके अंदर कौन कौन सा क्लास आ जाएगा डाइकोटलीडोन और मोनोकोटिलिडोन राइट right? फिर सबसे सबसे हाईएस्ट हमारा क्या है कैटेगरी दैट इज किंगडम इट इज हाइएस्ट कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम एंड ऑन एलिमेंट एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया जो कि मैं ही मिस्टेक कर चुका हूं यहां पे क्या हो जाएगा किंगडम ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमल ओके राइट एक्चुअली मैं पीपीटी बनाया और फिर पढ़ा रहा हूँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है फिर आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए ठीक फिर हमारा है लोअर टेक्सा लोअर द टेक्सा मोर और द करेक्टरिस्टिक डेट आर मेंबर विद इन द टेक्स से ठीक है और द नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स डिक्रीजेज एज वी एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम ठीक है और जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे अगर हम स्पीसीज लेवल टू किंगडम लेवल जो लोअर लेवल टू हायर लेवल में जैसे जैसे, जैसे जाएंगे हायर द कैटेगरी ग्रेटर ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ टू द अदर एट द सेम लेवल ठीक है और हायर कैटेगरी में सेम लेवल का टेक्स है जो कि क्या हम उसको और क्या बोलते हैं कैटेगरी hmm, भी बोलते हैं वो उनमें क्या होता है डिफरेंट और डिफरेंस होकर जिसको डिटरमाइन करने में इनका रिलेशनशिप राइट right? फिर देखा जाए ऑर्गेनिज्म विथ दियर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ठीक तो देखिए एक्चुअली मैंने ये पेज इस वजह से चूज किया कि आप गेस कर इस पेज में कुछ गलती है आप गेस करके बताइए क्या गलती है या आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके और वैसे मैं आपको बता देता हूं जैसे बायोलॉजिकल नेम है बायोलॉजिकल नेम है तो हम पहले ही स्टडी कर चुके थे कि बायोलॉजिकल नेम अगर प्रिंटेड होगा तो कैसा होगा इटैलिक्स में होगा और रिटर्न होगा तो कैसा होगा हैंड रिटर्न होगा तो वो होगा हमारे अंडरलाइन लेकिन देखिए इस पेज में बायोलॉजिकल नेम में कुछ भी ये अंडरलाइन भी नहीं है और ये हमारा इटैलिक फॉर्म में भी नहीं है तो ये हमारा ये जो बायोलॉजिकल नेम दिया ये कैसा है ये गलत है तो इसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं होमो को और सेपियंस को सेपरेटली अंडरलाइन सबके अंदर कर देंगे मस्कटा डोमेस्टिका को भी कर देंगे मेजी फेरा इंडिका को भी कर देंगे ट्रेटिकम स्टेबियम को भी कर देंगे राइट जैसे हम देखेंगे कॉमन नेम कॉमन नेम जैसे मैन का है तो मैन का कॉमन नेम है बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका होमोसेपियंस है ठीक तो होमो किस को रिप्रजेंट कर रहा है जीनस को और सेपियंस क्या हो जाएगा हमारा सेपियंस हमारा हो जाएगा स्पीसीज स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा है ठीक और इसका फैमिली क्या होता है होमिनेडी होगा ठीक है ऑर्डर प्राइमेट क्लास कोडेटा फाइलम ममेलिया ठीक है और इसको हम आगे हम बना लेते हैं किंगडम तो ये किंगडम किसके अंदर होगा आप बताइए ये होगा एनी मिलिया के अंदर राइट और उसके बाद होगा हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई किसके बायोलॉजिकल नेम क्या होता है मस्का डोमेस्टिका हाँ और इसका स्पीसीज नेम डोमेस्टिका हो जाएगा और आपका और आपका इसका जीनस क्या है मस्का है फैमिली मस्केडी है ऑर्डर डेपथेरा है क्लास इंसेक्टा है और फाइलम डिवीजन इसके क्या है ऑर्थोपोडा है फिर मैंगो मैंगो मैजी फेरा इंडिका

विथ ट्रिटिकम एस्टिवीएम ठीक है इसका बायोलॉजिकल नेम और इसका जीनस क्या होगा ट्रिटिकम फैमिली पोएसी और इसका ऑर्डर पोलेसी पोलेस ओके क्लास मोनोकोटिलीडोन्स डिवीजन एन जी और इसका हमारा किंगडम क्या हो जाएगा प्लांटी और ये भी चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है अभी पिछले साल पिछले साल नहीं कह सकते ये टू में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया था कि एक मतलब ये सारा दे देगा और ये ऑर्डर गैप कर देगा या क्लास गैप कर देगा कि इसका क्लास क्या है या कोई भी मंजी पेड़ कहीं दे दिया मैंगो कहीं दे दिया तो इसमें अगर फैमिली गैप कर दिया तो ये हमको ये चार्ट अच्छी तरीके से याद होना चाहिए राइट फिर टेक्सोनोमिकल एड्स टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है दिस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो टेक्सिनमिकल एड्स क्या होते हैं वो ऐसे होते हैं ऐसे चीज़ होते हैं सीधी सीरा समझने की कोशिश करते हैं ये जो हम कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेसन नेमिंग और क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं राइट टेक्सोनोमिस्ट कलेक्ट ए स्पेसीमन द फील्ड सॉरी टेक्सोनिक्स कलेक्ट ए स्पेसीमन द फ्राम फील्ड प्रिजर्व्स एंड स्टोर दस सम फॉर लेटर वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस ओके और टेक्सो टेक्सोनॉमि स्पीसी टेक्सोनॉमी स्पीसीज को कलेक्ट करता है और फील्ड प्रिजर्व्स एंड स्टोर फॉर द सेम फॉर द लेटर वेरीफ़िकेसन वेरीफिकेशन एंड रेफरेंस तो फिर उसको क्या करता है स्टोर तो करके रखता है लेटर वेरीफिकेसन और रेफरेंस के लिए राइट right? और स्टडीज़ आर कैरिड आउट इन बोथ फील्ड एज वेल एज इन साइड द लेबोरेटरी तो और उसका जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स के हम स्टडी फील्ड में भी कर सकते हैं और लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं इसको हम समझते हैं कैसे जैसे बोटेनिकल गार्डन है हॉर्बेरियम है म्यूजियम्स हैं जूलॉजिकल पार्क हैं ये सब क्या है टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं राइट तो हम जैसे जानते हैं बोटेनिकल गार्डन है तो बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे होता है फील्ड में होता है तो हम किसी अगर ऐसे किसी प्लांट के बारे में स्टडी करना होगा तो हम कहाँ पे स्टडी करेंगे उसको फील्ड में ही करेंगे बोटेनिकल गार्डन में ही स्टडी करेंगे ठीक है और सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम स्टडी अभी करते हैं तो जैसे हमारा हर्बेरियम तो हर्बेरियम क्या होता है हर्बेरिया आर कलेक्शन ऑफ ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसीमेंट्स माउंटेड ऑन अ सीट एक सीट होता है जिसके अंदर क्या करते हैं किसी प्लांट के किसी पार्ट्स को क्या करते हैं उसको ड्राई करा के प्रेस्ड करा के उसको और उसको उसमें चिपका के रखा जाता है ठीक है इस इस ये जो हमारा ये सीट है इसके ऊपर राइट ठीक सम प्लांट्स आर ऑल्सो केप्ड इन प्रिजर्वेटिव लिक्विड इफ दे कैन नॉट बी ड्राइड एंड प्रेस्ड ओके और ऐसे प्लांट के पार्ट्स हैं जो कि ड्राई उसको नहीं किया जा सकता या उसको प्रेस करके नहीं रखा जा सकता तो उसको क्या किया जाएगा उसको प्रिजर्वेटिव लिक्विड्स के अंदर रखा जाता है ठीक हर्बेरियम सीट्स आर अरेंज सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली अकेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक है हर्बेरियम सीट्स जो होता है इसके कैसे अरेंजमेंट होता है ये सिस्टमेटिकली होता है जैसे कि जो यूनिवर्सली असेप्टेड सिस्टम होता है उसी के उसी के अकॉर्डिंग ये ये अरेंज होता है राइट हर्बेरियम सीट्स कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ द कलेक्शन इस पर इंफॉर्मेशन रहता है कब कलेक्ट किया गया होता है और कहाँ से कलेक्ट किया गया होता है कलेक्टर्स नेम जो कलेक्ट किया है उसका नाम ठीक है और लोकल और साइंटिफिक नेम और इसका लोकल नेम क्या है जहाँ से कलेक्ट किया गया है इसको पर्टिकुलर पर्सन से इसको क्या बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम इसका साइंटिफिक नेम क्या है ठीक है और इसका फैमिली नेम क्या है ये, ये किस फैमिली से है ये प्लांट इसके बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन रहता है इस चार्ट के ऊपर ठीक है इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम सीटीज 41 सेंटीमीटर इंटू ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर ये इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम में आ चुका है ठीक तो इस हर्बेरियम सीट का क्या होता है हर्बेरियम सीट्स का जो साइज होता है 41 सेंटीमीटर इंटू ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर्स होता है ठीक ये हर्बेरियम सीट्स जो हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं जो कि प्लांट को ड्राई करा के प्रेस्ट करा के इस पर लगाया जाता है ठीक और इसके बारे में जैसे सारे इन्फॉर्मेशन अलग से कागज़ पर चिपकाया जाता है और ये स्टैंडर्ड होता है कि ये इस पेज का ये पेज का साइज स्टैंडर्ड होता है ये हर्बेरियम सीट भी स्टैंडर्ड होता है और इसको ऐसे स्टोर्ड हाउस होता है हर्बेरियम हाउस उसके अंदर इसको स्टोर्ड करके रखा जाता है इन चार्ट को जाकि आगे हम फर्दर इसको स्टडी कर पाएँ फिर हमारा है है बोटेनिकल गार्डन बोटेनिकल गार्डन क्या होता है दिज स्पेशज गार्डन लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस दिज स्पेश गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस ठीक है इस बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होते हैं जिसको ये फर्दर रखे रहते हैं कि जिससे कि हम आगे स्टडी कर पाए उन प्लांट्स के बारे में

और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में ये भी ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं इसको भी, भी आप याद कर लीजिएगा ठीक फिर जैसे कि हम देखें कि ऐसे होता है जैसे ये बोटेनिकल गार्डन के अगर ये ग्रेट मनीन ट्री है तो ग्रेट मनीान ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा इनका बोटेनिकल नेम जूलॉजिकल सॉरी बोटेनिकल नेम इनका और इनका कौन से फैमिली से हैं और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन भी एक बोर्ड पे वहाँ पे लिखा रहता है राइट फिर आता है हमारा म्यूजियम तो म्यूजियम क्या होता है तो म्यूजियम तो जानते हैं म्यूजियम के बारे में म्यूजियम हम विजिट भी, भी किए होंगे ठीक है बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सचि स्कूल्स एंड कॉलेजेस कुछ इस, स्कूल और कॉलेजेस में भी म्यूजियम सेटअप्स होते हैं ठीक है थीके? और म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एंड एनिमल स्पेसीमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस ठीक है और उसमें क्या होता है म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट्स होते हैं और एनिमल स्पेसीमेंट्स होते हैं रखे जाते हैं किस लिए स्टडी के लिए और रेफरेंस के लिए प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीमेंट्स में ऑल्सो बी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसीमेंट्स ठीक उसमें जो प्लांट्स और एनिमल स्पेसीमेंट्स हैं और उनको ड्राई स्पेसीमेंट्स के रूप में भी रखे जाते हैं स्पेसीमेंट्स आर प्रिजर्व ठीक प्लांट स्पेसीमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन ठीक है स्पेसिमेंट्स में होते हैं कंटेनर और जार में होते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस से होते हैं जिसमें कि वो वो डिकेड ना हो जिसमें वो ख़राब ना हो तो किस वजह इस वजह से वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में रखे जाते हैं इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग इंसेक्ट को पक मतलब पकड़ने के बाद उसको किल करके उसको पिन करके इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है ठीक और लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मेमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व ठीक है तो और जो लार्जर एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं तो उनको क्या किया जाता है उनके अंदर स्टफ्ड करके उनको एज अ वो वैसे दिखें उनको रखा जाता है ठीक और म्यूजियम ऑफ हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन ऑफ एनिमल्स टू अगर कोई बहुत लार्ज एनिमल है तो उसको क्या उसका क्या किया जाता है उसका स्केल्टन रखा जाता है राइट फिर लार्जेस्ट म्यूजियम इन आवर कंट्री इज इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता ये भी याद रखिएगा लार्जेस्ट म्यूजियम हमारे कंट्री में कहाँ है इंडियन म्यूजियम है जो कि कहाँ पर कोलकाता में जैसे मैं बताया कि अगर बहुत लार्जेस्ट एंड लार्ज एनिमल उसका स्केल्टन सिस्टम रखा जाता है जैसे कि ये एलिफेंट है एलिफेंट का क्या रखा हुआ है स्केल्टन सिस्टम को रखा हुआ है राइट फिर हमारा टैक्सोनॉमिकल एड नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क तो जूलॉजिकल पार्क तो हम ऑब्वियसली विजिट किए ही होंगे तो दीज आर द द्लेसेज वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वामेंट अंडर ह्यूमन केयर्स ठीक है तो ये वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड जो रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वामेंट में ह्यूमन केयर के अंदर ओके विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर जैसे कि हम उसको फूड हैबिटेट वो क्या खाता है और उनका बिहेवियर कैसा रहता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं वहाँ पे और ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स ठीक है तो जो जो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं जो जैसा उनका अगर वाइल्ड में अगर जंगल में रह रहे हैं जैसा उनका हैबिटेट होगा जिस कंडीशन में वो रहना रहते हैं वैसा ही हम उसको उनको ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं या उन्हीं से उनसे सिमिलर मिलता जुलता राइट फिर हम देखेंगे की की क्या होता है की इज़ द अनदर टेक्सोनॉमिक एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज ठीक तो की में हम किसका स्टडी करते हैं आइडेंटिफाई प्लांट्स को और एनिमल का स्टडी करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज़ ठीक है उनका सिमिलरिटीज कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलैरिटीज से हम स्टडी करते हैं द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कॉपलेट्स ठीक है और उनका कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के हम स्टडी करते हैं जो कि पेयर में होते हैं वो क्या कहलाते हैं कपलेट कहलाते हैं राइट इट रिप्रेजेंटे रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन ठीक है दिस रिजल्ट इज अक्सेप्टेंस ऑफ ऑनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर ठीक है तो इसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टर्स होगा उसका दो चॉइस होगा एक रिजेक्ट होगा एक रिजेक्ट करेक्टर एक रिजेक्ट होगा और एक सिलेक्ट होगा ठीक है स्टेटमेंट 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 इन द की इज कॉल्ड लीड और जितना statement, जो भी statement होगा वो क्या कहलाता है लीड कहलाता है द सेपरेट एक्सोनॉमिक की रिक्वायर्ड फॉर इच टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली जीनस स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज ठीक है जो हमारा जितना ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है फैमिली है जीनस स्पीसी है स्पीसीज है सबके लिए एक डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज होगा ठीक है उन्हीं के बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ठीक कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर ये जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ें समझेंगे जैसे ड्राई स्किन ठीक है तो ड्राई स्किन का दो हो सकता है ऑप्शन एक है नो और यस अगर नो हुआ Osionfish. तो ये सेलेमेंडर हो सकता है अगर यस हो गया तो इसमें हम दूसरा कॉन्ट्रास्ट करेक्टर देखेंगे जो hair, कि यह हेयर ठीक है अगर हेयर नहीं होगा तो वो लिजायर्ड हो सकता है ठीक है अगर हेयर प्रजेंट हुआ प्रजेंट हुआ तो दूसरा कॉन्ट्रास्ट करेक्टर देखेंगे जो कि देखेंगे अपोजेबल थम्स अपोजेबल थम्स अगर नहीं हुआ तो डेट में भी टाइगर और अगर हुआ तो इसमें देखेंगे फिर चौथा देखेंगे ये क्या है कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ठीक फिर अगर नहीं हुआ तो डेट में भी दोरीला अगर हुआ तो वो क्या हो सकता है ह्यूमन बींग्स हो सकता है ऐसे ही हम किसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ओके फिर फ्लोरा मेनुअल्स मोनोग्राफ एंड कैटालॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन ठीक है ये जो फ्लोरा हो गया मैनुअल्स हो गया मोनोग्राफ हुआ ये और कैटालॉग हो गया ये क्या करते हैं ये ये डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ठीक है दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन इनसे करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी होता है फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑफ गिवन एरिया ठीक है फ्लोरा में क्या होता है ये फ्लोरा में किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स का है का इंफॉर्मेशन इसमें होता है फ्लोरा में ठीक है दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स का इंफॉर्मेशन इसमें होता है मेनू फ्लोरा में फिर आता है हमारा मैनुअल्स मैनुअल्स आर यूजली इन यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एंड एरिया ठीक है मैनुअल्स में क्या होता है इन्फॉर्मेशन होता है किसी स्पीसीज के बारे में जो कि पर्टिकुलर किसी एरिया में पाए जाते हैं फिर आता है मोनोग्राफ मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन किसी भी एक कैटेगरी या टेक्सॉन बोलते हैं जिसको के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रखता है ठीक है जैसे कि चैप्टर वन हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे राइट तो अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को या शेयर करें और लाइक like करें वीडियो को थैंक यू सो मच